आप ये टेक्निक करते हैं तो एक तो फोकस आपका बहुत जबरदस्त हो जाता है इस मुद्रा के करने से, शांतिवी महामुद्रा करने से। दूसरा ये कहें कि मैं अगर प्रभु आपको मंजूर हो, परमात्मा को मंजूर हो, तभी मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी इफेक्टिव है, इतनी पावरफुल है कि ये आपको ध्यान में भी ले जाती है गहरे में, और एट द सेम टाइम आप जो भी चाहते हैं जीवन में वैसी ही घटनाएं होने लगती हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आजमाई हुई टेक्निक है। मैं आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर नहीं करता जिसमें मेरा खुद का अनुभव ना जुड़ा हो। ये बहुत ही गजब का की टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों ये जो टेक्निक है ये बेस्ड है शांभवी महामुद्रा पर। शांभवी एक ऐसी पावरफुल मुद्रा है जिसमें आप अपने ध्यान को दोनों आईब्रोज से ऊपर उठाने पर लगाते हैं। इसमें इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, स्टेप्स क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अगर आप ऐसा करने लगे, शांभवी मुद्रा में आमतौर पर लोगों को पता है कि आंखें ऊपर करके बस ध्यान यहां लगाना होता है। ये बात इतनी छोटी नहीं, इससे बहुत कुछ पहले भी है और इसके बहुत कुछ बाद में भी है। क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पहले आपको इसका फायदा बता दूं, इससे होने वाला क्या है। अगर आप ये टेक्निक करते हैं तो एक तो फोकस आपका बहुत जबरदस्त हो जाता है इस मुद्रा के करने से, शांभवी महामुद्रा करने से। दूसरा, आपकी नींद कम होने लगती है, मतलब आपकी बॉडी में जो एनर्जी सप्लाई यूनिवर्स से आती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है, तो नींद जो है वो कम हो जाती है, यानी कम नींद में भी आप गुजारा हो जाता है, कम नींद में भी आपका गुजारा हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा इसका फायदा है वो है कि ध्यान में आप हायर कॉन्शियसनेस से अटैच हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी एक बहुत ही गजब की चीज है, जो कि नॉर्मली किसी और ध्यान की विधि में आपको समय लगता है, 4-5-6 हफ्ते लग जाते हैं, इसमें आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट देखने को मिलता है। एक तरीके से जिसे आप बाहरी त्राटक कहा करते थे, ये अंदरूनी त्राटक है। ऑब्जेक्ट बाहर नहीं है, ऑब्जेक्ट अपने भीतर है जिस पर ध्यान लगाना है। तो बड़ी गजब की चीज है ये। आइए इसको और डिटेल में समझाता हूं कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले कुछ देर के लिए प्राणायाम अवश्य करें। जब भी आप शांभवी महामुद्रा का उपयोग करें उससे पहले प्राणायाम अवश्य करें। बिना प्राणायाम के जब तक आपकी सुषुम्ना चालू नहीं हो जाती, सुषुम्ना नाड़ी पता है आपको, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और इन दोनों को दो नाड़ियों मतलब दोनों नोस्ट्रिल से चलती है, और जब ये नोस्ट्रिल बैलेंस हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो सुषुम्ना चलने लगती है, यानी दोनों नोस्ट्रिल बराबरी पर चलने लगते हैं। इसके लिए और अगर डिटेल में जानना है तो मेरा स्वर विज्ञान पर एक वीडियो है, लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जब सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे, मतलब अब आपके दोनों नोस्ट्रिल बराबरी पर चल रही हैं, अब थोड़ी देर के लिए इसको इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे जिसे भस्त्रिका कहते हैं। तो एक तो शुरू शुरू में धीरे, आपने 5 लंबी गहरी सांसें ली, और अब उसके बाद थोड़ी देर के लिए भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस, फिर भस्त्रिका। भस्त्रिका में फील करें कि दोनों नोस्ट्रिल से सांस बराबर चल रही है। ये दूसरा स्टेप हो गया। कितनी देर करना है, लगभग 3 मिनट। इसके बाद अब आप ध्यान को लगाएं दोनों आईब्रोज के सेंटर में ऐसे, और हाथों से लगा लें ज्ञान मुद्रा लगा लें। ये जबरदस्त ज्ञान मुद्रा है। अगर आप इसमें ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं, अपान मुद्रा जिसे कहते हैं आप, ये आप इसमें लगा सकते हैं तो ये और बेटर होगा। आप इसको ज्ञान मुद्रा वैसे सबके लिए काम करती है, तो एक बार ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हैं। आप सीधे कमर को सीधी रखेंगे, गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर उठा लेंगे, और इसी प्रकार से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें इस एक्सरसाइज में एक पॉइंट और ऐड करना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा यहां क्राउन पर जा रही है और क्राउन से भी ऊपर जा रही है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो यहां से लाइट भीतर आ रही है और नाक से बाहर ऊर्जा आ रही है। तो इनहेल में ऊर्जा का फ्लो नीचे से ऊपर, और एक्सहेल में ऊर्जा का फ्लो ऊपर से नीचे। तो ऐसा 5 से 6 मिनट करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पर इकट्ठी होने लगी है। ये आपका क्राउन एक्टिवेट हो रहा है, चेतना नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है। यहां
क्राउन चक्र जो है ये 1000 petaled lotus है, 1000 पंखड़ी वाला कमल। 1000 पंखड़ी वाला इस कमल पर जब आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा पहुंचती है, तो ये कमल जो है वो खिलने लगता है। इस कमल की पंखुड़ियां वैसे बंद होती हैं, पर आपके ध्यान से, आपकी ऊर्जा से ये पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। और जितनी ज्यादा ये पंखुड़ियां खुलती हैं, उतना ज्यादा आपके ऑरा का विस्तार होता है। आपके ऑरा में एक शाइन आती है, एक ब्राइटनेस आती है। आपका ऑरा इतना एक्सपेंड होने लगता है कि आपके लिए नए नए द्वार खुलने लगते हैं। जब ये ऑरा खुलने लगे अब यहां पर आपकी ऊर्जा एकदम सुप्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। अब यहां पर अगर कुछ आपको मैनिफेस्ट करना है, कोई चीज मांगनी है परमात्मा से कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो मांग लें। ये मौका है उस समय में मांगने का। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी इमेजिन मांगना चाहते हैं, उसे आप इमेजिन करें। अब यहां ध्यान लगाएं और उसे इमेजिन करें कि वो चीज मुझे प्राप्त हो चुकी है, वो चीज मुझे प्राप्त हो चुकी है, और वो चीज मुझे प्राप्त हो चुकी है, और मैं उसे खूब एंजॉय कर रहा हूं। कोई भी चीज है, लेकिन मांगने से पहले एक बात अवश्य कहना आप, और वो ये है कि आप ये कहें कि मैं, अगर प्रभु आपको मंजूर हो, परमात्मा को मंजूर हो, तभी मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो। याद रखना, परमात्मा की मर्जी के बिना हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे। मांगेंगे उसकी कृपा से ही मांगेंगे, क्योंकि अगर हमने उसकी कृपा के अलावा अन्य चीजें मांगी तो हमें दुखदायी हो सकती हैं, पीड़ादायी हो सकती हैं। अब तक भी हमने जो भी मांगा है बहुत पीड़ाएं ही मांगी हैं। परमात्मा से जो मांग रखनी है, ऐसी मांग रखना कि प्रभु अगर मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये चीज अच्छी है तो मुझे जरूर प्राप्त हो, और इसके मिलने से मुझे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस मिले, ये जरूर मांग रखना। अगर ऐसी मांग है फिर आप कभी फंसेंगे नहीं, आपके चॉइस गलत नहीं होगी, आपको चीजें मिलेंगी, उसका रिजल्ट खराब नहीं होगा। फिर उस चीज को इमेजिन करें कि इतने टाइम में मिले, इतने टाइम में, कितना टाइम दें। अब वो देखिए कि आपकी चीज कितनी बड़ी है, मतलब कितनी बड़ी उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको अब ये कहें कि भाई परसों मुझे मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो नहीं, इतनी आसान बात तो नहीं है, इसके लिए टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। तो जितनी बड़ी है उसको, बड़ी चीज है उसको उतना टाइम दीजिए, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जितना आपको लगता है कि एक जेन्युइन टाइम लगता है। क्योंकि परमात्मा को भी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है। आप ही नहीं मांग रहे परमात्मा से, और लोग भी मांग रहे हैं, सबकी डिमांड को साथ लेकर चलना पड़ता है, तो चीजें दी जाती हैं। तो ऐसी आपने जब आपने दिमाग में बात बिठा ली, अब आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, देखेंगे उसको, पिक्चराइज करेंगे कि वो चीज आपको मिल चुकी है, और उसके मिलने से आप खूब खुश हैं, और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सांसारिक और स्पिरिचुअल दोनों को बैलेंस बना के करेंगे, और ये बहुत ही गजब का अनुभव होगा। ऐसा करके देखिए, कितने दिन करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको करने में 10 से 12 मिनट लगेंगे डेली, और इसको कितने दिन करना है, कम से कम 21 दिन तक अवश्य करें। आप पाएंगे जो चीज आपने 21 दिन के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। अब जो भी आपने डिमांड रखी थी, वो हो सकता है आपने 3 महीने के अंदर आपने मांगा, 3 महीने के अंदर आपको ये चीज मिल जाए। अब आपको उसके लिए, जब आपने, जब ये 21 दिन की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप चीजों को छोड़ दें, इस बात को दिमाग से हटाकर अब आप प्रैक्टिकली प्रयास करें उस चीजों को पाने का। अब आपको रास्ता दिखाया जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके घर में नोटों के अंबार नहीं लगा देगा कि आपने मांगा और चीजें आ गई। बस आपको रास्ता सही दिखाया जाएगा, कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये रास्ता आपको दिखाया जाएगा, और पहुंचने में, रास्ते में आने वाली रुकावटें भी दूर कर दी जाएंगी, ताकि चीज आपको आसानी से मिल सके। ये होता है मैनिफेस्टेशन का फायदा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठाएं और वो चीज आपको मिले, और उससे आपका जीवन सफल हो, आध्यात्मिक उन्नति भी साथ में हो। ऐसी मांग के साथ करेंगे तो ये चीज आपके लिए कभी भी बुरी नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, पूरी बात आपने समझी होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आपने हमारी कोई दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करके देखी है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।